नहीं लिख सकते क्या? अरे पहले उसका क्या निकाल लो, पहले इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो वो निकाल लो, डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भाई, यहाँ किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में या सरफेस पे है? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालो इसका। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब रो निकालना है आपको, वॉल्यूम है ना ये, तो रो कितना हो जाएगा बता सकते हो क्या? कितना टोटल चार्ज क्यू है और कितने वॉल्यूम में भी, कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 4 बाई 3 पाई आर टू आई क्यूब, आर टू आर क्यूब टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब। नहीं आया। आया सर पक्का? अरे यार इतने में ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना ये। यस नहीं आई बात समझ में, इतने में ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ये सर, बाकी इधर वॉल्यूम तो है ही नहीं। यस तो इतने में ही टोटल चार्ज क्यू है तो इतने का ही तो वॉल्यूम निकालोगे। यस नहीं आई बात समझ में आई। पक्का? यस इतने ही वॉल्यूम में तो निकालोगे। Yes, तो इतने का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर दो। yes. तो बड़े वाले का वॉल्यूम तो है 4/3 πr³ मतलब आर टू क्यूब, और छोटे वाले का 4/3 πr³। यस सर। तो नेट वॉल्यूम क्यू अपॉन 4/3 πr³ माइनस आर वन क्यूब, आर वन क्यूब। तो पहले तो हमने रो लिख लिया, क्या लिख लिया रो बताओ, Q अपॉन 4π/3 r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, ये तो हो गया रो भाई। ठीक है ठीक है। तो चार्ज इनक्लोज हो जाएगा रो, चार्ज डेंसिटी जितना है वो इनटू कितने वॉल्यूम में चार्ज लेना है आपको, कितने वॉल्यूम में चार्ज है यहाँ पे, कितने वॉल्यूम में चार्ज है, क्या इतने में ही है? यस सर। इतने इतने का वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या? कितना हो जाएगा 4/3 πx³ माइनस r1 क्यूब। यस सर। तो हो जाएगा 4/3 πx³ माइनस r1। लगा नहीं तुम्हें आया आया पक्का? देखो यार ये सब क्वेश्चंस जो है ना, देखो मेरी बात, ये सब क्वेश्चन काहे के लिए, आप मेंस दोगे तो एडवांस दोगे कि नहीं दोगे? यस। अपना बोर्ड का पेपर दोगे कि नहीं दोगे? यस। अब आपका बोर्ड का पेपर इतना हल्का नहीं होता है कि आप कुछ भी कर लोगे, हो जाएगा। मैं जो बोर्ड के पेपर देंगे 11th वाले, अब आपका बोर्ड का पेपर इतना हल्का नहीं होता। सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि नहीं होता उसमें? यस सर। तो बनाना पड़ेगा ना। यस सर। और ये सब बहुत, इससे जानते हो क्या होता है, इसके करने से आपका आईक्यू अच्छा होता है, आपका माइंड सही चलता है। मैं एक बात बताऊं आपको, तो देखो रो इंटू 4/3 πx³ माइनस r1 क्यूब, ये चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताओ। Yes. हुआ कितना भाई, क्यू अपॉन 4π/3 r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब इंटू 4π/3 x³ माइनस 4π/3 कैंसिल हो गया। तो क्यू इनक्लोज आया Q इंटू x³ माइनस r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, यही तो आया। बोलो। यस सर। ओके तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा,
क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो? क्यू इनक्लोज आपको पता ही चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्लोज इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो है। क्यू इनक्लोज की वैल्यू आपने लिख ली क्यू इंटू एक्स क्यूब माइनस आर वन क्यूब अपॉन आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब, और क्लोज इंटीग्रल डी एस कितना होगा, क्लोज इंटीग्रल डी एस, क्लोज इंटीग्रल डी एस का मतलब सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस 4 pi x square minus r1 मारेंगे अब, मारेंगे अब सरफेस एरिया only 4 pi x उसके सरफेस का एरिया भैया, उसके अंदर से उसे क्या मतलब है, अरे यार यस सर, क्लोज्ड इंटीग्रल ds का मतलब only सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस, हाँ तो सिर्फ सरफेस का एरिया, उसके अंदर से क्या मतलब, वॉल्यूम थोड़ी ना निकाल रहे हो आप, यस अरे यार, अरे समझ में आया नहीं आया, यस सर आज, तो सरफेस एरिया कितना 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर यस सर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना है, चलेगा यस सर, क्यू इनक्लोज हमने लिख लिया क्यू इंटू एक्स क्यूब माइनस आर वन क्यूब डिवाइडेड बाय आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब, ये तो हो गया क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ भाई, इज इक्वल टू कितना हो गया क्यू एक्स क्यूब माइनस आर वन क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू आर 2 क्यूब माइनस आर वन क्यूब एप्सिलॉन नॉट, देख तो यस सर है ठीक, यस सर ये है, अब एच सी वर्मा जिसके सामने है देखो आंसर इसका यही है, यस सर देख ये होगा, ये होगा क्या था इसमें, क्या था बोलो, कुछ था क्या, अब आपसे कह रहा है कि अब आपसे क्या कह रहा है ये बताओ, ड्रॉ ए रफ ग्राफ शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स फॉर जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन टू आर टू, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां पूछ रहा है वो आपसे, यहां निकाल लो, इसके बीच में आपने निकाल ही लिया और यहां निकाल दो, मतलब वो कह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो किसके किसके बीच, देखो अगला क्वेश्चन उसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज रेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज कहां से कहां पूछ रहा है वो, जीरो से लेके मतलब एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है, जीरो से लेके कहां तक, 2R2 तक, तो मतलब हो गया पॉइंट एक तो हो गया आउटसाइड yes, और एक पॉइंट इनसाइड, इनसाइड और एक पॉइंट कहाँ हो गया, इन बिटवीन आर वन एंड आर टू, इन बिटवीन आर वन एंड आर टू, ये तो निकाल ही लिया आपने yes, ठीक है yes, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाहर, उसके लिए ये क्या ट्रीट हो जाएगा अजय, पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बोलो, नहीं आया समझ में, आया सर, आया ना यस, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सेंटर से लेके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा ऐसे, कैसे वेरी करेगा देखो, अगर x लेस देन r1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्लियर यस सर, x
आर वन से बड़ा और आर टू से छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू एक्स क्यूब माइनस आर वन स्क्वायर आर वन क्यूब अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब, यही तो है? यस सर। नहीं आया समझ में? आया। इसे आप चाहो तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, ये देखो। यस सर। तो इसे हम हटा देते हैं, इसकी जगह हम लोग क्या कर दें? ये लिख दें? यस सर। चलेगा? और बाहर हो गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है? कब? जब x ग्रेटर देन आर टू। नहीं आया समझ में? और लेस देन किसके बीच पूछ रहा है भाई? x ग्रेटर देन आर टू हो गया तो कहीं पे भी ले जाओ, उसे क्या फर्क पड़ता है? पॉइंट आउटसाइड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेरिएशन हो गया, हो गया कि नहीं बोलो? यस सर। ये वेरिएशन हो गया इलेक्ट्रिक। अब इसका वेरिएशन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है तो क्या आप ग्राफ खींच सकते हो कि नहीं खींच सकते? यस सर। पक्का? अरे बोलो मेरे बंधु, बोलो बंधु। तो सेकंड वाले में के क्यू होगा ना आगे से? हाँ बच्चा। या क्या बोलो बना पान पर? हाँ के क्यू, सॉरी के क्यू ठीक होगा कि नहीं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। यस। अब आपसे ग्राफ पूछ रहा है तो क्या ग्राफ नहीं खींच सकते हो? बिल्कुल खींच सकते हो। देखो ये हो गया आपका सेंटर और ये हो गया आपका रेडियस आर वन और ये हो गया आपका रेडियस आर टू, ये हो गया आपका रेडियस आर टू। देखो ये इधर खींचना है, ये आपका आर वन हो गया और ये हो गया आपका आर टू। देखो सेंटर से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जब x इज इक्वल टू आर वन है, x इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से लेके यहां तक तो जीरो है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ये हो गया वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक, यहां से लेके यहां तक जीरो। जैसे ही सेंटर पे पहुंचे, जैसे ही सेंटर पे पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही सेंटर पे पहुंचे मतलब x r1 से r1 के बराबर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, x अगर r1 रखो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब x इज इक्वल टू जीरो हो गया ना? Yes. एक्स अगर आर वन रखो, एक्स इज इक्वल टू अगर सॉरी एक्स अगर आर वन रखो नॉट जीरो आर वन रखो, आर वन क्यूब माइनस आर वन क्यूब, तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होना शुरू हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। एक्स अगर आर वन रखोगे तो आर वन क्यूब अपन आर वन क्यूब मतलब सेंटर यहाँ जस्ट जस्ट इस पे भी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। उसके बाद देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आर वन से आर टू के बीच तक का, तो आर वन से आर टू के बीच तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखो क्या हो जाएगा आपका के क्यू यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करोगे इसको इस वाले को तो आपका ये वाला पूरा ना इक्वेशन खोल दो बढ़िया से, तो खोलोगे तो इसे क्या मिलेगा? देखो के क्यू
एक्स क्यूब माइनस आर वन क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर आर टू क्यूब, मतलब ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस आर वन क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो ग्राफ एक्चुअली बन जाएगा आपका कोई कांस्टेंट से के डैस इनटू एक्स माइनस आर वन क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कुछ खींचना पड़ेगा, मतलब बनेगा तो पैराबोला ही भाई। ये इक्वेशन किसका होगा, अगर ये आप ध्यान से देखो तो बाइनोमियल इक्वेशन है ना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन, तो हायर टर्म क्या है एक्स स्क्वायर ही तो है। यस सर। अरे यार, तो जो भी ग्राफ बनेगा वो एक्स स्क्वायर के हिसाब से बनेगा या एक्स के हिसाब से, एक्स स्क्वायर का पैराबोला, एक्स स्क्वायर के हिसाब से, अरे बनेगा ना एक्स स्क्वायर के हिसाब से। यस सर। यस सर। क्लियर है, बनेगा एक्स स्क्वायर के हिसाब से, तो एक्स मतलब बनेगा अगर एक्स स्क्वायर के हिसाब से तो बनेगा कैसा, बनेगा तो पैराबोला ही। यस सर। बनेगा तो पैराबोला ही, एक्स की वैल्यू अगर आर टू ले लो, आर मतलब अगर आर वन आपने लिया एक्स की वैल्यू तो ये हो जाएगा आर वन माइनस आर वन क्यूब अपॉन आर वन स्क्वायर, तो आर वन माइनस आर वन जीरो, मतलब यहां से चलेगा ठीक। और जब आर टू लोगे तो बनाते हैं पैराबोला, देखो कैसे बनता है, जब आर टू लोगे मतलब एक्स वन अगर आर वन हो गया तो यहां से चले, और आर टू जब लोगे तब क्या होगा, R2 आपने ले लिया मतलब हायर लिमिट इसकी ले ली आपने, तो R2 हो गया R2 माइनस R1 क्यूब अपॉन R1 स्क्वायर, सॉरी R2 स्क्वायर, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी R1 क्यूब अपॉन R2 स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी वो लेस होगी, मतलब निगेटिव में होगी कि पॉजिटिव में होगी, कुछ कह सकते हो इसके बारे में, पॉजिटिव ही होगी। पक्का? यस। कैसे पता? आर टू माइनस आर वन क्यूब अपॉन आर टू स्क्वायर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आर वन से बड़ा ही होगा, जैसे मान लो आर वन की वैल्यू टू ले ली और आर टू की वैल्यू फोर ले ली, चलेगा, आर वन कितना, टू और आर टू, चलो R1 अगर 2 R2 4 ले लिया हमने, तब तो हो जाएगा 4 माइनस R1 क्यूब, R1 क्यूब मतलब हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 16, ठीक, 8 डिवाइडेड बाय 16 मतलब 4 माइनस, तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। यस। ग्राफ कैसा बनेगा, घटता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़ता हुआ, ऐसे पैराबोला, फिर उसके बाद जब बाहर निकलोगे ना तो ऐसा पैराबोला बनता है। नहीं आया समझ में? आ गया सर। है अच्छा क्वेश्चन, ऐसे निकाल लेना इसको, ठीक है भाई, बाहर वाला तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है। यस सर। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ऐसा बनेगा, इन बिटवीन आर वन और आर टू कैसा बनेगा वो देख लेना। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसा ही बनेगा, क्योंकि देखो आपने देखा है सॉलिड स्फीयर में, इसमें सेंटर से लेके जब सर्कमफेरेंस तक चलते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेरिएशन के क्यू एक्स अपॉन अपॉन होता है कि नहीं होता है, बताओ, होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो स्ट्रेट लाइन का मतलब बढ़ता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। यस सर। तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक कैसा बनेगा, बढ़ता हुआ पैराबोला? नहीं यार, मैं गलत कर रहा हूँ,
ये माइनस में है ना, गलत है, सॉरी 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 बॉस, ये गलत है, ये ऐसा बनेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा बनेगा घटता हुआ पैराबोला, दो पैराबोला, एक बढ़ता हुआ और दूसरा घटता हुआ, घटता हुआ, घटता हुआ, ये घटता हुआ, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैराबोला, ये वाला बनेगा, ये वाला, ये हो जाएगा कर्व जो है सेकंड वाले का, ये सेकंड वाले का, ये फर्स्ट वाले का और ये थर्ड वाले, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड, ठीक है, ये कर्व बनेगा, ये सब ना आप करोगे तो जानते हो क्या होता है, एक्चुअली इससे आपका चक्षु खुलेगा और बहुत तेजी से खुलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसे ब्लॉक कर रखा है अभी तक, खोलो उसको, आगे चले, yes, अगला देखो, आगे चलो, अब आ जाओ शेयरिंग ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, किसकी बात करें, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, जब हमने देखो वहां याद करो हमने बताया था कि जब दो चार्ज्ड कंडक्टर हैं और दोनों चार्ज्ड कंडक्टर को अगर किसी आप कंडक्टिंग मटेरियल से कनेक्ट करते हो तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, होता है कि नहीं बोलो, yes, तो चार्ज का ट्रांसफर कहां से कहां होता है, जिसका पोटेंशियल हायर है उससे, जिसका पोटेंशियल लोअर है उधर की तरफ, तो लिखो शेयरिंग ऑफ चार्जेस, कैसे वो चार्ज का ट्रांसफर होता है और कितना होता है, कितना होता है, तो लिखो शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको ना एक छोटा छोटा मतलब ये ऐसे प्रॉब्लम पूछता है वो, और आपको क्या करना होता है कि ना उस छोटे छोटे टॉपिक, उस छोटे छोटे प्रॉब्लम को, मतलब जो प्रॉब्लम पूछता है ना उस प्रॉब्लम को आप ले लो और उस प्रॉब्लम को लेके उस टाइप के जितने भी नंबर आप प्रॉब्लम बन सकते हैं उसको बना लो, तो उस टाइप का अगर कभी भी प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा तो वो आपसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही तरीका होता है नोट्स बनाने का, और यही तरीका होता है आपको इस टाइप का प्रॉब्लम पूछेगा तो कैसे होगा, इस टाइप का प्रॉब्लम पूछेगा तो कैसे होगा, ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अभी हम लोगों ने बात कर लिया था प्लेट की प्रॉब्लम का कि प्लेट पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फिर हम लोगों ने बात कर लिया सर्कुलर मतलब स्फेरिकल चार्ज अगर है उस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फिर हमने बात कर ली कि अर्थिंग अगर कर दिया जाए, अर्थिंग वाला कर दिया जाए अर्थिंग पे, तो अर्थिंग पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और ठीक है फिर हमने बात कर ली कि अगर कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल पे चार्जेस अगर दिया हुआ है पॉइंट चार्जेस, या सेल के अंदर चार्ज दिया हुआ है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि दो चार्जिंग कंडक्टिंग मटेरियल है उनके बीच चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है, तो लिखो शेयरिंग ऑफ चार्जेस, मान लेते हैं कि दो कंडक्टर है बेटे, एक कंडक्टिंग मटेरियल है ये जिसका रेडियस है R1, और दूसरा कंडक्टिंग मटेरियल है कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस है R1 और दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है R, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, नो सर, ये दोनों कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल है, ये दोनों कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल है, ये कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फेरिकल सेल, ठीक है, इस सेल पे एक चार्ज Q1 दे दिया, इस सेल पे एक चार्ज Q1 और इस सेल पे एक चार्ज
क्यू टू दे दिया, ठीक है बच्चे। Yes. इस पे एक चार्ज Q1 और इस पे एक चार्ज Q2. इन दोनों को अभी इस पे चार्ज Q1, इस पे Q2 है, दोनों पे पॉजिटिव Q1, इस पे प्लस Q1, इस पे प्लस Q2, मतलब प्लस करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने Q1 Q2 कह दिया तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों पे क्या है पॉजिटिव। इन दोनों को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर से, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को जब हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया बच्चे, तो क्या यहाँ चार्ज का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? यस सर। अगर हम ये आपसे कह दें कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो चार्ज किधर से किधर जाएगा, बोलो हायर पोटेंशियल लोअर कोई जरूरी नहीं, नहीं है तो, लेकिन हायर वन ही जब जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या जब भी चार्ज की शेयरिंग होगी, चार्ज किधर से किधर ट्रांसफर होगा, चार्ज मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये लिखा हुआ है आपने। यस। और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ना हो जाए। अब मेरे बच्चे किसका पोटेंशियल ज्यादा है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो पहले कि चार्ज मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इट विल डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली चार्ज की शेयरिंग किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो लिखो कि शेयरिंग ऑफ चार्ज मस्ट बी डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। Depends on potential difference. It will go from higher potential to lower potential. Yeah, charge will transfer from higher potential to lower potential. लिखा है फिर भी लिख लो, higher से lower की तरफ transfer होता है। और कब तक होता है, कब तक होता है, जब तक कि पोटेंशियल सेम, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ना हो जाए, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यह ट्रांसफर होता है तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ना हो जाए, तो दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब मेरे बच्चों ये बताओ इसका इसका पोटेंशियल कितना है, आप बता सकते हो वन वाले का, इसको आप वन मान लो, इसको आप वन मान लो, इसको आप टू मान लो, तो वन का पोटेंशियल कितना होगा बता सकते हो क्या? अच्छा किसका पोटेंशियल चाहिए आपको, सरफेस का या फिर किसी और चीज का? सरफेस का। हाँ क्योंकि ये चार्ज जो ये ना ये कनेक्शन है ये कहां से है उसके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक पॉइंट अगर आप समझोगे तो ही आपको कैपेसिटर समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? कैपेसिटर, कैपेसिटर। इसका जो सरफेस है ना वो कनेक्टेड है, तो सरफेस का जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वही इनर साइड का होगा, ये बात ठीक है, लेकिन अगर कहीं और दूसरी जगह काम करेंगे तो हमेशा किसको पकड़ के रखेंगे? तो पोटेंशियल V1 का कितना होगा भाई बताओ? KQ1 upon R1। और V2 का? KQ2 upon R2। कौन बड़ा? V1 बड़ा।
क्यू वन बड़ा, तो क्यू वन बड़ा होने से क्या हो गया भाई, क्या वी वन बड़ा हो गया? यस सर बिल्कुल, क्योंकि आर वन छोटा भी तो है। यस सर आर वन छोटा है और क्यू वन बड़ा है, तो वी वन बड़ा हो गया और वी टू छोटा, तो लिखो इन दिस केस वी वन इज ग्रेटर देन वी टू बिकॉज क्यू वन इज ग्रेटर देन क्यू टू एंड आर वन इज लेस देन आर टू, दोनों कंडीशन है। आर वन इज लेस देन आर टू, आर वन आर टू से छोटा है और क्यू वन क्यू टू से बड़ा है, इसलिए चार्ज का ट्रांसफर इधर से इधर होगा। दोनों चीज आपको देखनी पड़ेगी, चार्ज भी और रेडियस भी, अगर स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हो आप तो, ठीक है ना? यस सर ठीक। तो वी वन से वी टू की तरफ ट्रांसफर होगा भाई, तो वी वन से वी टू की तरफ ट्रांसफर होगा, इसका मतलब चार्ज इधर से इधर जाएगा। यस सर इधर से इधर जाएगा, कितना जाएगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ना हो जाए। तो दोनों का पोटेंशियल सेम करो, दोनों का पोटेंशियल सेम होने के लिए इस पे जितना चार्ज होगा भाई, इस पे कितना चार्ज होगा ये नहीं पता, इस पे कितना चार्ज होगा नहीं पता। तो मान लेते हैं कि इधर से इधर, मतलब जब जब इससे चार्ज ट्रांसफर हुआ इधर की तरफ, दूसरा पिक्चर में बना रहा हूं, आगे आगे देखना, इधर से चार्ज इधर की तरफ जाएगा। यस सर जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, कब तक जाने दो? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चलो भाई, तो दोनों का पोटेंशियल सेम करते हैं अगले वाले टॉपिक पे, मतलब अगले वाले चैप्टर में। ये देखो ये हो गया वन वाला, ये हो गया टू वाला, ठीक है। इसका रेडियस है आर वन, रेडियस तो चेंज नहीं होगा, हो जाएगा, और इसका रेडियस है आर टू। इस पे चार्ज ट्रांसफर होके मान लो कितना हो गया, कैपिटल क्यू वन, कितना हो गया कैपिटल क्यू वन, और इस पे चार्ज ट्रांसफर होके मान लो कितना हो गया कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। अच्छा ये बताओ, चार्ज ट्रांसफर होने से क्या नेट चार्ज वही रहेगा या चेंज कर जाएगा? जितना चार्ज दोनों पे मिला के पहले था उतना ही रहेगा या चार्ज भी अलग हो जाएंगे? उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। तो इस बात को भी लिखो कि नेट चार्ज ऑन बोथ द कैपेस बोथ द सेल मस्ट बी व्हाट सेम। तो पहले कितना था क्यू वन प्लस क्यू टू, बाद में कितना हो गया कैपिटल क्यू वन प्लस क्यू। बात समझ में आई कि नहीं? यस ठीक है, इन सब चीजों को लिखो। अब ये ट्रांसफर कर दिया आपने, हो गया इसमें। अब बताओ इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, वी वन का वी टू का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? दोनों को क्या करोगे? इक्वल, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? यस के को मार देगा, यहां से एक रिलेशन आएगा Q1 वन बाई क्यू टू इज इक्वल टू आर वन बाई आएगा कि नहीं आएगा? यस सर ठीक है, यहां से क्या निकाल लोगे आप? Q1 वन यस सर, क्या निकाल लोगे Q1, क्या निकाल लोगे Q1, तो Q1 कितना हो जाएगा R1 अपॉन R2 इनटू Q2। ठीक, इस Q1 की वैल्यू यहां ले जाके रख दो, रख दोगे
यस सर। तो जब इस क्यू वन की वैल्यू यहाँ ले जाके रखोगे तो क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू वन, ये हो जाएगा क्यू वन, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आर वन अपॉन आर टू क्यू टू प्लस क्यू टू। तो क्या वहां से Q2 की वैल्यू निकल जाएगी कि इस पे कितना चार्ज आया? Yes, sir. नहीं आया बात समझ में? आया ठीक। तो यहां से वैल्यू निकाल लो Q2 की, तो देखो क्या हो जाएगा बच्चे, Q1 plus Q2 is equal to R1 plus R2 upon R2 into Q2, चलेगा क्या? Yes, sir. तो क्या Q2 को हम लोग निकाल सकते हैं यहां से, कितना हो जाएगा Q1 plus Q2 into R2 upon R1 plus R2। आया समझ में? Yes sir। Yes sir। तो इस वाले स्फीयर पे कितना चार्ज आ गया? इतना। तो कोई आपसे पूछे इस वाले से गया कितना? जितना इस पे पहले था उसको इस वाले से क्या कर दोगे? माइनस। माइनस भाई, इस पे मान लो दो कूलम था पहले, और जब आपने इससे कनेक्ट कर दिया तो इस पे मान लो तीन कूलम आ गया, तो इस वाले से इस पे कितना गया? एक कूलम। एक कूलम, तभी तो उसका तीन कूलम हुआ। यस। नहीं आई बात समझ में? आई। आ गई ना? Yes। आपने Q2 निकाल लिया, तो आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि इस वाले से इस पे कितना गया, क्या आप नहीं निकाल सकते हो? Yes। क्लियर है? Yes। अगर क्लियर है तो एक न्यूमेरिकल देता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये लिख लिया आपने? Yes, sir. इसमें करना कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था। क्या था कि पोटेंशियल अगर डिफरेंट है चार्ज दोनों पे, अच्छा दोनों पे चार्ज सेम हो और दोनों का पोटेंशियल अलग अलग हो तो क्या तब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा? यह तरह पोटेंशियल बिल्कुल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है तो। yes, ठीक। आओ अब इस पे जो है एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल दे देता हूं मैं, क्लियरिटी आ जाएगी दिमाग में। ये दे दिया मैंने, ये है एक स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर। इस स्फीयर का रेडियस है मान लो कि 2 मीटर और इस पे चार्ज है 10 कूलम। ठीक। इस स्फीयर का रेडियस है मान लो 4 मीटर, इस पे चार्ज है 12 कूलम। ठीक है, दोनों क्या है? हॉलो स्फेरिकल सेल है। हॉलो स्फेरिकल सेल, ठीक है, बोलो। यस सर। दोनों पे चार्ज हमने दे दिया, एक पे 12 कूलम और दूसरे पे 10 कूलम। नाउ अच्छा, इनका पोटेंशियल दोनों का अलग अलग है, सेम है? अलग अलग। इसका पोटेंशियल कितना होगा? इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, तो 1 का पोटेंशियल कितना होगा? 5 k into 10 divided by 2। yes sir। और इसका 12 k by 4। कुछ समझ में आया? Yes, sir। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल किसका ज्यादा?
वन का, वन का क्या कर दिया हमने इसको, जोड़ दिया कंडक्टिंग वायर, जोड़ दिया एक क्या लगा के, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, वायर जोड़ दिया। चार्ज का ट्रांसफर होगा यस सर, किधर से किधर होगा, 10 कूलम्ब से 12 कूलम्ब की तरफ, 10 से 12 की तरफ होगा यस yes. तो लिखिए फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज ज्ञात करिए, बताइए दोनों स्फीयर पे फाइनल चार्ज कितना होगा, हाउ मच विल बी द फाइनल चार्ज ऑन बोथ द स्फीयर्स आफ्टर कनेक्टिंग देम विद अ कंडक्टिंग वायर। मैंने पोटेंशियल निकलवा दिया है, आपको पोटेंशियल निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा है जितना पढ़ा उतना कमी लगता है सर, 22/3 को नाम पहले पे रहेगा और उसे 44/3 पहले पे कितना घट गया कि पड़ गया, घट गया और दूसरे पे बढ़ गया, बढ़ गया ठीक है देख। इधर से चार्ज इधर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा yes. कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना no. तो दोनों का पोटेंशियल मान लेते हैं इधर से क्यू चार्ज चला गया, कोई दिक्कत है क्या ना no, सर इस पे कितना आ गया फाइनली 10 माइनस है और इस Q. पे 12 प्लस क्यू बस खत्म हो गया। इस चार्ज पे दोनों का पोटेंशियल सेम, तो फाइनल पोटेंशियल देख लो V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यस सर। तो देखो V1 डैश प्लस V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश मतलब 10K इनटू 10 माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू K इनटू 12 प्लस Q डिवाइडेड बाय 4 दो दुना K को आ ये हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा आपका 20-2Q इज इक्वल टू 12+Q यस सर, तो 3Q इज इक्वल टू 8 यस सर, क्यू इक्वल टू 8/2 तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 8/3 क्यू इज इक्वल टू 8/3 अब क्यू इज इक्वल टू 8/3 हो गया भाई, क्यू इक्वल टू 8/3 तो यहाँ से घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8/3 करोगे तो 30-8 22/3 यस सर, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 + 36 36 8 44 यहाँ हो जाएगा 44/3 यस सर, तो यहाँ आ जाएगा 44/3 क्योंकि क्यू की वैल्यू 8/3 तो यहाँ हो जाएगा चार्ज फाइनली 44/3 कूलम और यहाँ कितना हो जाएगा 22/3 कुछ समझ में आया नहीं आया आया सर, इसे कहते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेस, चार्जेस शेयरिंग ऑफ चार्जेस, चार्जेस ऐसे चार्ज की शेयरिंग होती है, ऐसे चार्ज की शेयरिंग शेयरिंग होती है। आप देखो एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको, देखो चलो इसी में ले लो, देखो लिखो टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स, टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स, conducting spherical cells are joined by
आर ज्वाइंड बाई टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स आर ज्वाइंड बाई अ कंडक्टिंग वायर joined by a conducting wire and cut after some time and cut after some time cut after some time when charge stops flowing when charge stops flowing kya matlab hai iska charge stops flowing ka kya matlab hai jab charge behna band ho gaya tab matlab potential same ho gaya charge stops flowing find out the charge on each sphere after that Find out the charge on each sphere after that. इस पे Q है इस वाले पे चार्ज दे देता हूं मैं इस वाले पे Q है और इस वाले पे माइनस थ्री क्यू है ठीक है और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है ऐसे कनेक्ट करने के बाद कट किया है ठीक है कनेक्ट करने के बाद कट किया है कनेक्ट करने के बाद कट किया है कनेक्ट करने के बाद कट किया है ठीक है ये वायर है इसी से कनेक्ट किया है इसको आप वन मान लो और इस वाले को टू मान लो थोड़ा अच्छे से करना अच्छा क्वेश्चन है ये या मैं बताऊं पहले तो ये निकालो कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा दोनों का पोटेंशियल मतलब इस वाले का आउटर सरफेस का और इस वाले का इनर सरफेस का चार्ज का ट्रांसफर किधर से किधर होगा ये डिपेंड करेगा कि दोनों का पोटेंशियल किसका ज्यादा किसका कम है या दोनों का पोटेंशियल निकाल लो सीधा सीधा चार्ज को ट्रांसफर करने की जरूरत भी नहीं है किधर से किधर होगा ये तो अपने आप पता चल जाएगा निगेटिव आएगा तो इधर से इधर गया या पॉजिटिव आएगा तो जिधर आपने माना है उधर सही है निगेटिव आएगा तो आपका मानना गलत कि सही गलत गलत और पॉजिटिव आएगा तो आपका मानना सही तो मान लो कि इस पे चार्ज इतना हो गया इस पे इतना हो गया काम खत्म है मान लो कि इस वन वाले से ना इधर वाले की तरफ चार्ज ट्रांसफर हुआ मान लेते कोई दिक्कत है किधर से किधर ट्रांसफर हुआ वन से किधर की तरफ थ्री वाले की तरफ वन पे पोटेंशियल निकाल सकते हो क्या ये कंसेंट्रिक सर्कल का प्रॉब्लम है या कंसेंट्रिक स्फेयर का है कि स्फेयर अलग अलग है कंसेंट्रिक हाँ पोटेंशियल आपको दोनों के कारण निकालना पड़ेगा किसके कारण दोनों के कारण अलग अलग कर लो कहां मान कहां पहले पहले इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो वन वाले के सरफेस पे तो वन वाले का
देखो वन वाले पे चार्ज, यहां मान लेते हैं कि फाइनली चार्ज कितना आ गया वन वाले पे, एक्स कितना आ गया, एक्स फाइनली चार्ज कितना आ गया इस पे, एक्स आ गया, ठीक। तो बाहर वाले पे कितना आएगा, इस वाले पे, इस वाले के इनर सरफेस पे चार्ज, ठीक तो माइनस है। अच्छा ये बताओ हमको, यहां चार्ज है क्यू, तो यहां कितना आ जाएगा, माइनस क्यू, यहां बाहर कितना आ जाएगा, माइनस टू, होगा कि नहीं होगा, यस यस क्लियर है, बोलो सही है, यस। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल पहले वाले का, इसके इनर सरफेस आउटर सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पहले वाले का, पहले वाले का, ध्यान से ध्यान से, पहले वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो इस वाले के आउटर सरफेस पे चार्ज है क्यू, इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, यस सर, और इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के लिए ये वाला पॉइंट इनसाइड हो गया, यस सर, तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन टू आर, यस सर, ठीक, ध्यान से समझना, और बाहर वाला ये है माइनस टू क्यू, माइनस टू क्यू के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ के इंटू टू क्यू अपॉन टू आर, अरे नहीं आया, आया सर, पक्का ना, यस सर, तो कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ माइनस प्लस मत करो तब भी तो पोटेंशियल सीधा सीधा निकाल सकते हो, यस सर, कितना आ गया बोलो, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, ये तो इसके कारण था ही, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ थ्री के क्यू अपॉन आर टू आर, ये इस बाहर वाले की स्फीयर के कारण पोटेंशियल हो गया, नहीं आया बात समझ में, आया सर, क्लियर है ना, यस यही होगा, ठीक, वी टू बोलो, वी टू पोटेंशियल है टू, ये वाला अगर पॉइंट अगर यहाँ है तो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा, ये वाला चार्ज है जो पॉइंट चार्ज ट्रीट होगा, yes, हो जाएगा के क्यू अपॉन टू आर, के क्यू अपॉन टू आर, और इसपे ऑलरेडी कितना चार्ज है, माइनस थ्री क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस के इंटू थ्री क्यू अपॉन टू आर, नहीं आया, अरे बोलो, yes. नहीं समझ में आ रहा क्या दिव्यांशु, यस सर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो पोटेंशियल इस पे कितना हो जाएगा, ये वाला और वन वाले पे पोटेंशियल, ये हो गया, नहीं आया समझ में, आया सर, आया ना, तो यहाँ अब देखो कौन सा पोटेंशियल बड़ा होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो थ्री के क्यू अपॉन टू आर दोनों में से माइनस है, लेकिन यहाँ के क्यू अपॉन आर में से माइनस है, यहाँ के क्यू अपॉन टू आर में से माइनस है, मुझे लगता है कि वी वन वाला वी टू से ज्यादा है, yes, तो इस पे इससे चार्ज इस पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल एक्स है, कितना है, सॉरी चार्ज एक्स है, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, इसका इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस थ्री क्यू प्लस एक्स, या ऐसा कर लेते हैं ना सीधा सीधा निकाल लेते हैं, देखो क्या
इसका चार्ज मान लेते हैं कि इसका चार्ज ना इस पे हो गया आपका क्यू, इससे चार्ज मान लो क्यू माइनस एक्स गया, सॉरी एक्स गया, तो ये बचा क्यू माइनस एक्स, और इस पे कितना हो जाएगा माइनस थ्री क्यू प्लस एक्स। अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर। ठीक है, अब देखो इनर वाले सेल पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं, बराबर आउटर वाले सेल पे पोटेंशियल हो जाएगा। इनर वाले सेल पे पोटेंशियल बोलो कितना होगा दोनों चार्ज के कारण q माइनस एक्स के कारण, पहले बोल दो, तो q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई r k टाइम्स प्लस, आप किसके कारण देखोगे बाहर वाले पे कितना चार्ज है माइनस थ्री क्यू प्लस एक्स, तो माइनस थ्री क्यू के टाइम्स माइनस थ्री क्यू प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टू आर, चलेगा क्या? यस। नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है पक्का? बराबर वी टू डैस बोलो, इस वाले चार्ज के लिए V2 वाला जो पॉइंट होगा वो तो यहाँ से यहाँ तक की मतलब आउटसाइड में पड़ जाएगा, तो सेंटर पे हो जाएगा ना, वो हो जाएगा K into Q minus X upon 2R प्लस इस वाले के लिए अगेन K into minus 3Q plus X divided by 2R। हाँ ना बोल, यही तो होगा मेरे यार। यस सर। मैंने क्या लिख दिया समझ में नहीं आया तुम्हें? आया सर। आया तो देखो इधर, अगर आया तो अभी से मैं हटाता हूँ यहाँ से, कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखो ये तो सीधा सीधा खत्म हो गया भाई, ये वाला देखो, ये वाला तो ये वाले को खा गया ना, ये तो दोनों सेम ही है। यस सर। यहाँ आया आर, आर को खा गया है? के, के को खा गया, ठीक है, तो q माइनस एक्स इज इक्वल टू q माइनस एक्स बाई टू, ठीक, तो टू क्यू माइनस एक्स टू एक्स इज इक्वल टू q माइनस एक्स, तो q इज इक्वल टू x ना, q इज इक्वल टू एक्स, अरे यही तो आ रहा है। yes, sir. मतलब x is equal to क्या हो गया q? yes, sir. yes, sir. क्या मतलब है इसका? वन वाले पे कितना चार्ज बचा? जीरो। पूरा ट्रांसफर हो गया। एंड आंसर इज वन वाले पे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? वन वाले से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? पूरा q। पूरा ही ट्रांसफर हो गया, तो वन वाले पे बचा कितना? जीरो। और दूसरे वाले पे माइनस टू क्यू माइनस। आंसर ठीक है? यस सर। यस सर। क्या ऐसे प्रॉब्लम अब आपसे बन जाएंगे कि नहीं, ये बताओ? यस सर बन जाएंगे। चार्ज शेयरिंग की प्रॉब्लम है ये, चार्ज शेयरिंग के प्रॉब्लम, पोटेंशियल आप समान कर दो। अब देखो हर चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालना जरूरी नहीं है, मतलब इनर सरफेस आउटर सरफेस के कारण, जो इनर सरफेस के कारण जो चार्ज होगा, आउटर सरफेस के कारण जो चार्ज होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो दोनों को मिला के एक चार्ज कर दो, उसी के कारण जो जो पोटेंशियल होगा वही होगा, ठीक है? यस सर। चलो बाय बाय सर। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। एचसी वर्मा बना लेना ये। यस सर। सारे गौसला बना लेना, मैंने सब बनवा दिया आपसे एक तरीके समझो, तो सारा गौसला आपसे बन जाएगा।